ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହରେ ହେବାକୁ ଥିବା ବିଧା ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ଆମେ ଅଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅରାଇ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନୀ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଯେଉଁଠି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଆସିକି ଏଠାକାର ଯେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ରହିଛନ୍ତି ରାମ ସୁରତ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଆସିକି ସେ ପ୍ରଚାର ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଅନେକ ଦର୍ଶକ ବା ଏଠାକାର ଯେଉଁ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ବା ବିଜେପି ସମର୍ଥକ ସେମାନେ ସବୁ ଏଠି ଉପସ୍ଥିତ ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେହେତୁ ଆସ୍ଥା ଦିଗରେ ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ନିର୍ବାଚନ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ କ'ଣ ରହିଛି ମତ ଏଠାକାର ବାସିନ୍ଦା ଅଛନ୍ତି ଭୟା କୁଛ ଦେର ପରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଜି ନେ ଆଉ ୟହାଁ କେ ପ୍ରତ୍ୟାଶୀ ଯୋ ହେଁ ଉନକେ ଲିଏ ପ୍ରଚାର କିୟା କ୍ୟା ହେ ଆପକେ ଲିଏ ମୁଦ୍ଦେ କ୍ୟା କିସ ତରହ ସେ ଆପ ଚୁନାଵ ଦେନେ ବୋଲେ हम लोग जेपी को वोट देंगे मोदी जी अच्छे काम किए हैं और विकास के लिए भी काम किए हैं नीतीश भी काम अच्छे कर रहे हैं इसलिए कैसे बिहार में किस तरह से विकास देख रहे हैं बहुत अच्छे तरह से हम देख रहे हैं हर कुछ रोड नाले बिजने को सुविधा मिल रहा है हम लोगों को समय समय पे ऐसा कुछ नहीं है 15 साल पहले बिहार कैसी थी ऐसी है बिहार का जो विकास हुआ है नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए के नेतृत्व में यह बहुत सराहनीय है और हमारी सरकार पुनः सरकार बनेगी हम लोग बीजेपी को वोट करेंगे राम सूरत आएंगे आगे निकल चुका है अब अराई पंचायत 40 वर्षों से यहाँ लाइन नहीं था अब लाइन आ गया है रोड आ गया है 4 लाइन बन रहा है 24 आ गया है भाजपा है तो विश्वास है भैया भैया आप लोग एक जो बात है यहाँ पे जो चुनाव होने वाली है इस बार और जो वोट होने वाले हैं क्या मुद्दे पे आप लोग वोट देने जाएंगे देखिए हम लोग विकास के मुद्दे पर ये राम सूरत राय जी जो है ये राम सूरत राय जी जो है और आई के कैसे पुरुष है इनका कोई वर्णन नहीं है इनका कोई वर्णन नहीं कर सकता है हम यादव समुदाय है लोग अफवाह है और आई के जनता की यादव राम सूरत राय जी के साथ नहीं है मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि इस बार 80% यादव राम सूरत राय जी के साथ है। विकास कैसे दिख रहा है विकास यहां पे कैसे दिख रहा है 15 साल पहले बिहार कैसी था बिहार कैसी अभी जो नीति चल रही है ऐसा कहीं माननीय राम सूरत राय विधायक बनने जा रहा है ऐसा कोई विधायक नहीं बनेंगे और एक मूल समाज की बहुमत मछुआरा समाज की मल्ला की वोट एक मुंह एक झोली में बैठ में 100 हमारे मल्ला का वोट 100 राम सूरत जी यहाँ से जाएंगे हमारे औराई विधानसभा से तो ये मंत्री बन करके हम लोग उसको भेज रहे हैं विधानसभा में मंत्री बनेंगे वो आप क्या कहेंगे किस तरह से विकास यहाँ पे चल रही है और क्या मुद्दे हैं इस बार नीतीश कुमार जी और नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में हुआ है पहले हमारे इलाके में हाई स्कूल आने के में रास्ता नहीं था बिजली नहीं था पूरा नहीं था लेकिन नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी की शासनकाल में बहुत विकास हुआ है विकास को आप कैसे देख रहे हैं यहाँ पे बिहार में और सरकार देखिए बिहार में विकास बार है किसी मानसिकता की कमी हो तो अलग बात जाति पात छोड़ के राम सूरत जी को यहाँ से सर्वधर्म के सब जात के लोग यहाँ से विजय बनाने का काम करेंगे यहाँ केंद्रीय मंत्री जी ने प्रचार किया और यहाँ के स्वास्थ्य मंत्री जो है उन्होंने भी प्रतिक्रिया आने वाले पड़ेगा आदमी लोग का वो जो है ना संजय हम लोग तो वोट देंगे बीजेपी को ही देंगे वोट चाहे कोई भी हो हम लोग इतना दिन से दे रहे हैं वोट अगले बार भी इसी बार भी देंगे वोट मगर इसके बाद देखेंगे क्या करता है नहीं देखने के बाद होगा एक बार हम लोग फिर से विश्वास करते हैं कि इस बार क्या करते हैं नहीं करते नेताजी इसके लिए विकास और मुद्दा सबुठ बड़ा रही विकास कार्यक्रम भोटर मैंने अधिक फोकस देखते बैठक समर्थक बीजेपी समर्थक कथ कहते स्थानीय बासिंदा कथ कहतु समस्ते विकास प्रसंग को लेकर बीजेपी प्रत्याशी कथ कहतु अन्य दल कथ कहते कितना सबुठ बड़ प्रसंग रही है कि मैंने विकास प्रसंग को लेकर एथर भोट देवाई जी देखा बाकी 10 तारीख फलाफल कौन कौन मनोरंजन खान और बस।